हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। खतरों के खिलाड़ी 13 बिगुल बच चुका है, कंटेस्टेंट भी हलचल में आ चुके हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा कंटेस्टेंट है जो लगातार बिग बॉस 16 से निकलना ही नहीं चाह रहे। उन्हें अभी भी थोड़ा सा रोना धोना चल रहा है कि फैंडम क्यों आ गया, इस फैंडम ने वोट क्यों कर दिया। एक के बाद एक नए इंटरव्यू के अंदर उनकी एक ही चीजें सुनाई दे रही है कि अब खतरों के खिलाड़ी के अंदर शुक्र है कि वोटिंग नहीं है, वहां पर हम टैलेंट के दम पे आगे जाएंगे। बहुत सी चीजें उठाई जा रही है, पिछली खींची जा रही है, कुछ मीडिया कर्मी भी एमसी पे ही बात करना चाहते हैं और यहाँ पे खुले तौर पे फिर टारगेट किया है अर्चू बेबी ने एमसी स्टैंड फैंडम को, कहा कि यहाँ पे वोटिंग सिस्टम नहीं है भैया, यहाँ पे टैलेंट चलेगा। तो चलो हम भी कुछ बिग बॉस 16 के पन्ने खोल देते और याद दुला देते हैं कि किचन के अंदर एक काले रंग की छिपकली नजर आ गई थी, तो बंदा इतना भागा, इतना दूर तक भागा, इतना डर गया और उसके बाद उसने किचन में जाने के लिए भी मना कर दिया। एक छिपकली से जो बंदा डर गया, तभी खतरों के खिलाड़ी के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। वहां तो मगरमच्छ, सांप और पता नहीं लकड़ बग्गे और क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ फिर एक चीज और देखने को मिली, जो पानी वाले टास्क, जो बिग बॉस 16 के अंदर पानी वाले टास्क आया था, जहां पे अर्चू बेबी ने मना कर दिया था कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मैं तबीयत पे अपना ये टास्क नहीं कर सकती, मुझे आगे भी काफी मतलब दिन बिताने हैं तो मैं ये पानी वाला टास्क नहीं करूंगी। उन्होंने फिर ये लगाया आरोप कि उस टास्क से उनकी शायद तबीयत खराब हो सकती है और किचन के अंदर उन्हें काली छिपकली दिख गई थी, उनसे भी उनको हुई थी प्रॉब्लम। तो अगर हम फैंडम की आप बात कर रहे हो, तो अगर हम आपके टैलेंट की बात कर लें, तो बिग बॉस 16 में हमने देखा है कि काली छिपकली आपका कहते हैं कि जीना आराम कर सकते हैं, वहीं पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पानी से भी आपको बहुत डर लगता है, वहां पे तो बहुत कुछ होने वाला है। तो बहुत मजा आएगा 13 के अंदर, जो बड़े बोल बोल के जा रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, और फैंडम का नाम लगातार कहे जा रहे हैं कि भैया ये अच्छा हुआ इसमें फैंडम नहीं है। तो फैंडम के दम पे ही लोग जाते हैं शो में, जब कलर स्कोर टीम को पता लगता है कि इनको इतने लोग देखने वाले हैं तो उनको इनवाइट किया जाता है। यहाँ पे आपको भी पता है कि एमसी स्टैंड तो बिग बॉस भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके चाहने वालों ने उनको लगातार प्यार किया, भर भर के वोट किया, उन्हें रोकना चाहा। कॉल की भी बात करी थी जैसे कल के एपिसोड में हमने बताया था, लेकिन एक नया इंटरव्यू आया जिसमें फिर अर्चू बेबी ने यही आरोप लगाया कि फैंडम के दम पे खतरों के खिलाड़ी शो नहीं है। तो देखते हैं वहां पे भी कितनी बारी जिक्र होगा एमसी स्टैंड का। तो मुझे लगता है कि एमसी स्टैंड फैंडम को भी खतरों के खिलाड़ी देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे ना होते सोते भी कई गूंज और कई नाम गुनगुनाएंगे लोग और माला जपेंगे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के अंदर एमसी। आप आए हैं, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं रात के लाइव में कुछ नए मुद्दों के साथ। प्लीज लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नंबर कम है लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस नंबरों को अच्छे खासे बनाने के बाद हम उस मंच तक पहुंच पाए जो हमारा टारगेट है, जब हम भी वहां पे हो और हम भी कंटेस्टेंट से सीधी करें बात, उसमें चाहिए आपका सहयोग और आपका साथ। मिलते हैं रात में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।